नमस्कार, आज हम लोग अभी सिटी लॉथू के धरती पर मौजूद हैं और यहाँ पर 10 मार्च को एक इतिहास रचने वाले काम होने वाला है जिसमें 55 जोड़ी बेटियों का शादी होने वाला है। तो उसी के तैयारियों को लेकर के हम लोग यहाँ बात करेंगे और अभी रात्रि समय है और फिर भी काम जोरों पर है, इसको लेकर के हम यहाँ बात करेंगे जो सार्वजन कल्याण संस्थान के अध्यक्ष हैं उनसे। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। सर, यहाँ पर जो अभी तैयारियाँ चल रही है उसको लेकर हम लोगों को जानकारी चाहिए कि तैयारियाँ किस प्रकार से चल रही है और कितने जोड़ियों का, जैसे 51 जोड़ी का सब जगह चर्चा है लेकिन शायद अभी बढ़ा हुआ है। देखिए, संस्थान के द्वारा जो समय का निर्धारण किया गया था तो टारगेट 51 जोड़ी का ही, लेकिन कुछ ऐसे परिस्थितियाँ आई जो इतनी ज़रूरतमंद लोग आ गए तो उनको शादी इस वर्ष करना अति आवश्यक हो गया, इसलिए विशेष परिस्थिति में 55 जोड़ियों का शादी संपन्न होने जा रहा है। अच्छा, इसमें कैसे लोगों को मतलब लिया जाता है स्थान में शादी करने के लिए, उसके थोड़ा सा? देखिए, शादी में खास करके वैसे लोग जो अपनी बेटियों का सह समय या बहुत उत्साहपूर्वक शादी नहीं कर पाते, इच्छा रहता है हर बेटी के माँ बाप का कि मेरे भी बेटी बेटा का शादी, बहुत सारा उत्साह और दुनिया की बराबरी के हिसाब से है, लेकिन आर्थिक तंगी और ये हमारा इलाका जो है पहाड़ियों का, ये यहाँ संसाधन से परिपूर्ण नहीं है, जिसकी वजह से बहुत उत्साहपूर्वक शादी नहीं हो पाती। तो हम लोग सामूहिक विवाह का आयोजन वैसे लोगों के लिए जो लोग कमजोर सबके हैं, जो कर्ज में दब जाते हैं या जो आज दहेज की वजह से जो एक दहेज जैसे समाज की उत्साह बनती जा रही, हम लोग उसको दूर करने के लिए वैसे इसमें थोड़ा प्रकाश सर के आपके मन में ये कैसे आया कि मतलब एक शादी सामूहिक करवाना चाहिए? देखिए, सामूहिक शादी जमीनी दिक्कत तो यही है कि हम लोग एक लोग कमज़ोर घर से हैं और एक बेटी का दर्द बाप को क्या होता है हम लोगों ने अपने घर परिवार से देखा है, क्योंकि 7 बहनों के बीच में मेरा पालन पोषण हुआ है। तो एक बेटी का दर्द बाप कितना सह सकता है और समाज को लहना कितना सह सकता है, ये चीज़ बताने को नहीं, ये आंखों से देखा हुआ है। और इसी की वजह से हम लोगों ने संघर्ष के ही दिनों में यह तय किया था मन में कि अगर समाज में अगर कोई सफलता मिला व्यवसायिक रूप से सामाजिक क्षेत्रों में, तो हम जरूर ऐसे लोगों के दर्द को दूर करने का प्रयास करेंगे जो अपने माँ बाप को नज़दीक से उस दर्द को देखा। ये लगातार तीसरी बार शायद है जी, समय तीसरी बार शादी हो रहा है और इलाके में लोगों का जिस तरह से सहयोग है, हम लोग साधारण घर से आते हैं लेकिन तिलौकू इलाका के समाज के हर तबके का जो सहयोग है, उस सहयोग का नतीजा ही था पिछले बार कि कई से हम लोगों ने 51 शादी करने का घोषणा किया था और इस बार और अति उत्साह में लोग जो सहयोग कर रहे हैं उसको नतीजा 10 तारीख को 12 बजे रात के बाद में हम लोग तय कर देंगे कि इसका नतीजा क्या होने जा रहा है। अच्छा, क्या सोचे इसको कहाँ तक ले जाना? हम चाह रहे हैं कि तिलौथू एक ऐसा जगह हो जाए जिसकी पहचान बन जाए पूरे बिहार में कि इस धरती से हर साल सामूहिक विवाह होता है और वैसे ज़रूरतमंद बेटी के बाप जो अपने बेटियों का शादी बहुत उत्साहपूर्वक में नहीं कर पाते हैं, वो हमारे तिलौथू में आएंगे और शादी करेंगे और इसका एक तिलौथू का पहचान हो जाएगा, वही तिलौथू ना जो हाँ सामूहिक विवाह होता है। अच्छा, इसमें क्या ले सकते हैं कि बिहार को छोड़कर के अन्य राज्य के लोग भी इसका मतलब लाभ उठा सकते हैं? हो रहा है, आज भी हमारे झारखंड के ही सटे पलामू गढ़वा के कुछ लड़कियाँ हैं, तो इधर के लड़के हैं और एक दो शादी हमारे बिहार का जो सीमावर्ती उत्तर प्रदेश का इलाका है, गाजीपुर से एक लड़की का बारात आएगा, ये जो आपका प्रयागराज से भी एक शादी हो रहा है। उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड मिला करके जो सीमावर्ती इलाका है से मिला करके शादी। अच्छा, मन में एक और सवाल है कि आखिर ये खर्चा कितना होता होगा, जैसे 55 जोड़ी है? खर्चा तो देखिए बहुत खर्चा हो जाता है, लेकिन पूरे खर्च जो है हमारी संस्थान और हमारे व्यक्तिगत तौर से नहीं किया जाता। हाँ, जो ज़रूरतमंद सामान है जो हम लोग मोटा मोटी वो अपने द्वारा अपने व्यवसायिक जीवन से या अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सामाजिक क्षेत्र में खर्च करते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि प्रखंड क्षेत्र के लोगों का भरपूर सहयोग है, उस सहयोग की वजह से हम लोग संख्या बढ़ा रहे हैं तो हम लोग सक्षम नहीं हो पा रहे। अच्छा, बेटी की शादी में यहाँ पर उपहार क्या क्या दिए? उपहार में एक साधारण तौर पर जैसे घर में शादी होता है वैसे ही शादी हो रहा है, पलंग हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, बर्तन जैसे खाने पीने का सामग्री जो होता है ये सब चीज़ें
विधिवत शादी जो है हो रहा है, हिंदू रीति रिवाज से शादी होगा और पारंपरिक रूप से जैसे घर में शादी होता है वैसे होगा। सबसे पहले अगर दोनों पक्ष के लोग आएंगे तो सबसे पहले यहाँ वर सम्मान समारोह होगा। वर सम्मान समारोह करने के बाद दोनों तरफ से हल्दी और माड़ो होगा। हल्दी माड़ो करने के बाद यहाँ से बारात निकल कर ठाकुरबाड़ी मंदिर के लिए जाएगी। वहाँ से आने के बाद दरवाजा पूजा होगा। उसके बाद भी एकदम एक ही जो घर में शादी होता है पूरी परंपरा को निर्वाहन किया जाए, पूरी परंपरा के साथ मतलब जी जी। और जो भी उपहार एक साधारण परिवार से ज़्यादा सारे जी सारे हम लोगों ने अपनी पूरे ताकत के साथ शादी हम वैसा यहाँ से शादी संपर्क कराने जा रहे हैं कि अगर बेटियाँ तो विदाई अगर इस खेल मैदान से शादी करेंगे लेकिन शादी जब होगा शादी करके घबराल जाएगी तो उस पर एहसास नहीं होना चाहिए कि हम एक कमजोर घर से थे कि हम समाज की बराबरी में मेरे शादी नहीं हुआ, ऐसा हमारा प्रयास है। सोचा है कि हर एक को समान समान समाज की बराबरी में खड़ा करने का मेरा उद्देश्य है। ऐसे लोगों के चिन्हित और सोशल मीडिया में उस कॉन्टैक्ट करने के बाद उसको वेरीफाई करते हैं हम लोग। वेरीफाई करने के बाद उसको दिया है कि मोबाइल मो उघाड़े कानी हां तब मैं उधर में हाथ आओ ना हे ये तरह से हे ये खातिर बोले नहीं हां सारा विधि व्यवस्था सुबह बर बजे ऑनलाइन संपर्क करना चाहता है तो हम लोग दो या तीन सोशल मीडिया में नंबर दे देते हैं, उस पे जब डेट निकल जाता है हम लोग का तो उस नंबर को सोशल मीडिया पर नंबर डाल देते हैं और उससे संपर्क करके हम लोग से रजिस्ट्रेशन कराते हैं। मतलब सोशल मीडिया की व्यवस्था है कि वहाँ से आप नंबर लेकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए ठीक है। क्या नाम है सर आपका? सिकंदर जी। ये जो सोच है बेटियों को निःशुल्क शादी यहाँ पर उसके बारे में बहुत बढ़िया बात है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक बाप को तिलक या दहेज को लेकर वैसे घरों तक नहीं पहुँच पाती हैं बेटियाँ जो इस माध्यम से पहुँच रही है? क्या नाम है सर? मेरा नाम कृष्णा कुमार। कृष्णा जी, इस सोच को लेकर के आप क्या करते? इस सोच में सर्व जन कल्याण संस्थान के पहले क्योंकि बाबू खेल मैदान में शादी समूह रखा गया है। इस शादी समूह में जितने प्रखंड वासी या जिला वासी चाहे बिहार वासी जितने ताकि शादी में आकर के मेरे मनोबल मेरे संस्था के लोगों को मनोबल को बढ़ाएं। जिस तरह से शादी को लक्ष्य हम लोग रखे हैं उस लक्ष्य से हम लोग आगे निकलते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ईश्वर चंद प्रसाद है। मैं उड़ीसा से शिक्षक हूँ और इस पुनीत कार्य में हम भी सहयोग करते हैं और जितना भी कार्यक्रम हुआ उसमें हम सपोर्ट करते हैं। जैसे आप शिक्षक रह चुके हैं तो हमारे यहाँ एक दहेज प्रथा भी पढ़ा जाता है जिसमें दहेज को लेकर के एक पिता कहीं ना कहीं अपने घर को भी गिरवी रखते हैं बेटी को अच्छे घर में घुसे, लेकिन इसमें कोई उनको ना दहेज देना है लेकिन एक बराबरी का समान रहता है। तो उसको लेकर ऐसे सोच मतलब बिहार में हमको लग रहा है कि एक ऐतिहासिक एक लौटा ही संस्थान है जो बिहार में उत्तर प्रदेश झारखंड सभी जगहों में इस प्रकार का संस्थान काम नहीं कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ हम लोगों का आपसी सहयोग भावना को छोड़ करके समता को छोड़ करके हम लोग एक मंच में लगा करके हम लोग इस काम को इस पुनीत अवसर पर करते हैं ताकि लोग इसको देखें, समाज में एक बढ़िया मैसेज जाए और उस मैसेज से हम लोग लाभान्वित हो और पूरा प्रखंड के लोग लाभान्वित हो। प्रखंड ही नहीं पूरे राज्य का कल्याण हो और सब लोग एक एकता के अनुभव में बने समझता हूँ। चलिए
क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ। सुधीर सर, आपको तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं और आप चर्चित शिक्षक भी हो चुके हैं। आपसे ये सवाल होगा सर कि जहाँ हम दहेज की बात करते हैं, यहाँ पर दहेज की बात नहीं लेकिन उपहार का भी बात आता है कि कुछ लोग का जो अपना एक ये उपहार होना चाहिए, तो उसको लेकर क्या? जितने बेटी के लिए आवश्यक उपहार होता है मध्यम वर्ग के जो घर की विदाई में दी जाती है, लगभग सभी सामग्री यहाँ से दी जाती है। जो होता है गाजा, लड्डू, खजा, खजूली, बताशा, कसार, ठीक है, इवन के लड़कियों का जो खिचड़ी जाता है, चावल और नमक, वो सभी हम लोग देते हैं। बाकी जितनी सामान चीज़ है, पलंग है, कुर्सी है, तोशक खटिया, ठीक है, बक्सा, इवन की सास के लिए बक्सा, ठीक है, बेटी के बक्सा, प्लस उसमें जितनी उसकी आवश्यक जितनी साड़ियाँ होती है, सास के साड़ी, उसके परिवार के साड़ी, ठीक है, साथ साथ बेटियों के लिए आवश्यक और जो कुछ गहने भी होते हैं, वो सभी हम लोग यहाँ से देते हैं। और इस अवसर पर एक और हम लोग कार्य करते हैं, ठीक है, वो है सम्मान्य कार्यक्रम, ठीक है। इस एरिया के जितने भी बहुत से ऐसे है शिक्षक हैं जो विशिष्ट कार्य करते रहते हैं, उनको हम लोग इस मन से सम्मानित करते हैं। जो मेधावी छात्र होते हैं उनको भी हम लोग सम्मानित करते हैं, और इस मन से भी घोषणा करते हैं कि जो ऐसे भी छात्र हैं जो किसी न किसी कारण से और शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं, ठीक है, उनको हम लोग हर तरह से सहायता प्रदान करते हैं, चाहे कहीं ना कहीं किसी कोचिंग में निःशुल्क करवा देते हैं, ठीक है, या आर्थिक रूप से हम लोग सहयोग करते रहते हैं। और ये हमारी जो सोच रहती है कि हम लोग इस तरह से गरीब लोगों को हमेशा आगे बढ़ाएँ, बिहार के लिए गौरव करें, बहुत ही जैसा सब बना हुआ है, सब बिहार और जगह पर ऊंचाइयों तक पहुँचे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगवाने।